नमस्कार, आप देख रहे हैं देश देशांतर खबर स्पेशल। आज की 10 खबरों में आपका स्वागत है। खबरें देखने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर दिल्लीवासियों को एक फिर तोहफा दिया है। उन्होंने पानी के पुराने बिल माफ़ कर दिए हैं। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि 2015 में जब हम सत्ता में आए थे तो पानी का बुरा हाल था। पिछले 5 साल में हमने कई सुधार किए हैं। 58% क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन बिछी थी, हमने 93% एरिया में पाइपलाइन बिछा दी है। दिल्ली में 1200 MGD की ज़रूरत है, आज 940 MGD पानी की आपूर्ति हुई है। अभी भी पानी की कमी है। अब दिल्ली को टैंकर माफिया से निजात मिल गई है। सरकार को 600 करोड़ का राजस्व लाभ मिलेगा। इस योजना से लाखों उपभोक्ताओं को लाभ मिलने वाला है। इस समय 2500 करोड़ का एरियर घरेलू मीटर और 1500 करोड़ व्यावसायिक मीटरों का एरियर बकाया है। आज की दूसरी खबर जनपद शाहजहाँपुर से। यहाँ आज लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित हुए ट्रक ने टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। उसके बाद पास से गुजर रही पिकअप पर पलट गया। खबर मिलने तक हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 घायल हो गए हैं। मरने वालों में 3 बच्चे व 1 महिला भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही जिलाधिकारी को मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत धनराशि और घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आज की अगली खबर, चेन्नई के पल्लावरम बैरक में एक राइफलमैन ने सेना के एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी गोली मार ली। आरोपी को कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान सुस्त रवैया अपनाने के लिए दंडित किया गया था। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार देर रात करीब 3 बजे घटित हुई। अधिकारी ने कहा कि हमें संदेह है कि राइफलमैन ड्यूटी के दौरान सुस्त रवैया अपनाने के लिए हवलदार द्वारा दंडित किए जाने से नाराज था। उसने पहले अधिकारी को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक अधिकारी ने कहा, हमें संदेह है कि हवलदार द्वारा ड्यूटी के दौरान सुस्त रवैया बरतने के आरोप में राइफलमैन को सजा दिए जाने से वह भावनात्मक रूप से आहत था। रक्षा सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आज की चौथी खबर, उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से। यहाँ थाना फरीदपुर के मौलापरा निवासी 55 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र रामपाल की लाश बीसलपुर रोड स्थित भारत गैस गोदाम के सामने पप्पू मिश्रा के आम के बाग में एक पेड़ पर लटकी मिली। आज सुबह जब आसपास के लोग घास काटने के लिए बाग में पहुंचे तो देखा पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है, जिसकी सूचना बाग मालिक को दी गई। बाग मालिक ने तुरंत फरीदपुर थाना को सूचित किया। मौके पर थाना प्रभारी समेत CO पहुंच गए और सबकी शिनाख्त कराई। अशोक कुमार के पैर रस्सी से बंधे हुए थे। परिवार वाले इस घटना को हत्या बता रहे हैं। हमारे सहयोगी नंद किशोर के अनुसार अशोक कुमार बरेली जाने की बताकर घर से निकले थे। रात को जब वापस नहीं आए तो सुबह पता चला कि बाग में लाश लटकी हुई है। घटनास्थल पर शराब की बोतल और ग्लास भी मिले हैं। पुलिस अभी जाँच कर रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से। यहाँ गाँव गढ़िया ब्लॉक कादर चौक में 10 वर्ष से बिजली नहीं आ रही है। यहाँ विद्युत लाइन तो पड़ी है लेकिन बिजली नसीब नहीं है। हमारे सहयोगी रजत ने यहाँ गाँव के लोगों से वार्ता की, देखें हैं रिपोर्ट। इस गांव में लमसम 10 साल से बिजली नहीं आ रही है। हालात बिजली के बहुत ही खराब हैं। इन गांव के लोगों की समस्याएं बहुत ही ज्यादा हैं। लाइनें तो पड़ गई हैं पर अभी तक इन गांव वालों के लिए कोई भी लाइट की सुविधा नहीं है। क्या राय है गांव वालों की? बिजली आनी चाहिए जल्द से जल्द। जैसे कि कितने दिन हो गए लमसम? करीब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कनेक्शन कितने होंगे लमसम इस गाँव में? कनेक्शन तो पूरे सब लोगों के थी। 35 कनेक्शन है आपके गाँव में, यानी कि सरकार बदल गई, हालात नहीं बदले, हालात वही की वही है। आप बताइए, एक भी कमरा नहीं आया? रोटी करने का जगह ना आया। अच्छा, यानी कि मकान में बिल्कुल यानी कि छप्पर उप्पर कुछ नहीं है, पन्नी अन्नी पड़ी हुई है, हालात बहुत ही खराब है इस गांव का। कोई कोई हल इतनी गाय छुटी गई है, कोई फसल ना रखी है, यानी कि गाय की भी बहुत समस्या है यहाँ पर। कोई फसल ना होने दे इतनी, कोई साधन करो। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के पूरनपुर जितौरिया टांडा के ग्रामवासियों ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया। इसमें श्रद्धा की छटा बिखेरी गई। यहाँ पंडित हरिशंकर अग्नित्री कथावाचक ने अपने सहयोगियों के साथ कथा का पाठन किया। इस श्रीमद् भागवत कथा में क्षेत्रवासियों का सहयोग बढ़ चढ़ कर रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुँचे। कथावाचक हरिशंकर अग्नित्री ने कहा कि कथा के माध्यम से लोगों को धर्म, कर्तव्य, निष्ठा व परोपकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जीवन जीने का सलीका आ जाता है। कथा सुनने में हमें सही दिशा मिलती है और हम समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कर पाते हैं। भागवत कथा के साथ साथ लोगों को भगवान की झांकियां दिखाने का केवल एक ही अर्थ होता है,
ताकि अतीत में झांककर अपने मन में इस बात का चिंतन कर सकें। गौरतलब है कि कथा के दौरान कई झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में ब्लॉक रामनगर के ग्राम पंचायत अजमेर के लाल जीवन इंटर कॉलेज में किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन किया गया। किशोर स्वास्थ्य मंच के अंतर्गत लोगों को एनीमिया, कुपोषण, महामारी, स्वच्छता, शारीरिक परिवर्तन के बारे में जागरूक किया गया। किशोर मंच के अंतर्गत मेहंदी चाट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में कॉलेज के स्टाफ के साथ साथ क्षेत्र के काफ़ी लोग मौजूद रहे। अब अगली खबर बरेली से। यहाँ मामला बहेड़ी केसर चीनी मिल का उस वक्त सामने आया जब एक मजदूर केसर चीनी मिल की टीन सेट को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ा था। तभी मजदूर अचानक टीन सेट से नीचे गिर गया और मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गौरी शंकर निवासी जनपद छपरा बिहार का है, जो एक पाइपलाइन को ठीक करने के लिए टीन सेट पर चढ़ा था। अचानक एक एंगल टूटने से वह नीचे आ गिरा। देखते देखते मजदूरों का हुजूम इकट्ठा हो गया और आनंद फानंद में उसे CHC अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की सूचना उसके घर बिहार राज्य स्थित छपरा में दी गई है। अब अगली खबर विज्ञान जगत से। मानव जैसा दिखने वाला एक आदमकद रोबोट को लेकर गया रूस का अंतरिक्ष यान मंगलवार को सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँच गया है। इसके पहले सप्ताहांत में यह कोशिश नाकाम रही थी। नासा TV के उद्घोषक ने रूस के यान के पहुंचने की पुष्टि की है। इस आदमकद रोबोट का नाम फेडोर है। यह इंसानी गतिविधि की नकल करता है और यह ऐसा गुण है जो इसे यहां कार्य करने में मदद करेगा। यह यान बृहस्पतिवार को सोयूज MS-14 अंतरिक्ष यान के जरिए दक्षिणी कजाकिस्तान स्थित एक रूसी प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ था और यह 7 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहेगा। यह यान वहाँ अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करना सीखेगा। आज की अंतिम खबर, लोकसभा चुनाव 2019 में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा अब ग्लोबल हो रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। अब मोदी का 3 दिवसीय विदेश दौरा भी इंटरनेशनल मीडिया में छाया रहा। दुनिया के लगभग सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में नरेंद्र मोदी के इस विदेशी दौरे को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। खासतौर पर UAE के समाचार पत्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री को जबरदस्त कवरेज दी है। साथ ही भारत UAE के मजबूत रिश्तों को प्रमुखता दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के विदेशी दौरे से मंगलवार को सुबह ही वापस लौटे हैं। सुबह करीब 4 बजे उनका विमान दिल्ली में लैंड किया। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और बहरीन गए। आज की देश देशांतर में इतना ही। बने रहिए दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।